नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। काफ़ी दिनों से चल रही नगर परिषद की सरगर्मियां कल उपसभापति चुनाव के बाद समाप्त हो गई। इन चुनावों में भाजपा को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। क्या रहे इस शिकस्त के कारण और कौन कौन पार्टी में बना विभीषण, इन्हीं सब बातों के साथ आज हमारे साथ उपस्थित हैं सभापति चुनाव में भाजपा प्रत्याशी बबीता गौड और उनके पति पवन गौड। आइए मिलते हैं इन दोनों से। पवन जी, बबीता जी, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, फाइटर ने हमें बुलाया। पवन जी, नगर भी चुनाव की सरगर्मियां समाप्त हो चुकी हैं, इसमें आपकी धर्मपत्नी बबीता गौड़ को भाजपा द्वारा प्रत्याशी बनाया गया था, लेकिन हार का सामना करना पड़ा, क्या कारण रहे इसके, विस्तार से दर्शकों को बताएंगे। हार के कारण ऐसे नहीं है, सभी पार्टी के जो हम लोग 31 बस में बैठ के आए थे, 31 के 31 लोगों ने हमें वोट दिया और हम ये कह नहीं सकते भाई बाहर से वोट आया अंदर से वोट बाहर गए, ऐसा कहीं कुछ भी ऐसा नहीं था। क्योंकि जो लोग ये कहते हैं कि साहब हमने वोट दिया बाहर, अब जो कह रहे हैं कि भाई हमने वोट दिया, तो हम हमारे 31 में अविश्वास कैसे कर सकते हैं। हमें हमारे 31 लोगों में विश्वास है, हमें वोट दिया उन्होंने। पूरे विस्तार से जानकारी देंगे कि यहाँ बाड़ेबंदी के लिए जब गए थे पार्षद तो कितनी संख्या थी उनकी और क्या क्या रणनीति रही। बाड़ाबंदी में गए तब तो हमारी संख्या जितने 65 वार्डों में जो चुनाव लड़े थे वो सभी लोग गए थे और उसमें जो जीते वो वहीं रह गए। उसके बाद में जो आदमी और एक्स्ट्रा गए वहाँ हमारे जो जीतने वाले पार्षद थे भाजपा के वो 24 पार्षद थे। 24 के बाद में हमने 31 का आंकड़ा सुबह बहुत अच्छा प्रयास किया। उसके अंदर सबसे बड़ी जो भूमिका रही वो हमारे प्रहलाद गुंजल जी की, अभिषेक मटोरिया जी की, उनकी रही, जिसके कारण ही हम 31 वोट ले पाए, नहीं तो ये वोट हमारे 13 मिलते हमें। आपने कहा कि 13 वोट मिलते, 24 आपकी पार्टी के पास से जीते, तो 13 कैसे मिलते, बाकी कहाँ चले गए थे। क्योंकि उपसभापति के चुनाव के अंदर 16 वोट मिले तो हमें 13 मिलते। नहीं, सभापति के चुनाव में 13 क्यों मिलते, कारण क्या रहा। कारण पूरे शहर को पता है किस कारण से क्यों नहीं मिलते, क्या नहीं मिलते, और पार्टी को पता है और पार्टी अपनी कार्रवाई करेगी। नहीं, जब आपके साथ पार्षद थे 24, पार्टी के पार्षद थे और 31 वोट मिले, तो 13 क्यों मिलते, कारण तो आप स्पष्ट करें प्लीज़। आप एक समाचार पत्र के चैनल के मंच पर हैं तो खुलकर ज़्यादा बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 31 वोट मिलने का कारण सिर्फ एक ही है कि प्रहलाद जी गुंजल और अभिषेक जी ने जो कार्य किया उसी के कारण 31 वोट मिले, ना कि यहाँ के स्थानीय नेताओं के कारण या किसी और के कारण। आज वो दो लोग थे, इसी कारण से 31 वोट मिले। तो उपसभापति में ये आंकड़ा 16 का कैसे रह गया। उपसभापति के अंदर आंकड़ा 16 कैसे रहा, ये तो वो पार्षद लोग ही बता सकते हैं, जिन लोगों ने वोट नहीं दिया वो पार्टी को, पार्टी के जो कैंडिडेट को वोट नहीं दिया तो वही लोग बता सकते हैं इसमें क्या हुआ। नहीं, कुछ कारण तो आपको भी पता होगा कि पार्टी कितनी करारी शिकस्त हुई। पूरा शहर जानता है भी किस कारण से वोट कम आए कम नहीं आए। आज मैं अपने मुंह से बोलूंगा तो हमारे 24 पार्षद वो नाराज होंगे, जो हमें साथ मेरे साथ रहे वो नाराज होंगे, परंतु मेरे को बोल नहीं। आप नाम मत लो किसी का, मैं नहीं कहता नाम लो। नहीं, नाम लेने की बात नहीं है, पूरे शहर को पता है कि भाई गंगानगर नगर परिषद का जो चुनाव है किस प्रकार से कैसे चुनाव होते हैं, कैसे क्या होता है। ये गंगानगर के अंदर नहीं, पूरे राजस्थान में ये मुद्दा छाया हुआ है कि भाई यहाँ धनबल का काम चलता है, धनबल के कारण ही ये सब चीज़ें होती है। तो आपकी धर्मपत्नी ने जब सभापति का चुनाव लड़ा तो आपको इस बात का आभास नहीं था कि यहाँ धनबल चलता है, ये तो आपको भी पता था। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, धनबल चलता है, परंतु हमें विश्वास था कि भी हमारे पार्टी के लोग और हमारे जो निर्दलीय हमारे साथ आ रहे हैं वो मन से और दिल से आ रहे हैं, और मन से और दिल से उन्होंने जो जैसे 31 वोट आए थे, हम ये देखते हैं भी अगर 31 वोट बस में नहीं होते और 31 पार्षद बस में नहीं होते और हमें वहाँ 25 वोट मिलते, तब हम सोचते हैं कि भाई चलो यहाँ धनबल का उसमें हुआ है। हमारे जो 31 पार्षद थे 31 के 31 लोगों ने वोट दिया है, मुझे विश्वास है पूरा। आपने भी तो धनबल का प्रयोग किया था। कहाँ किया हमने, कोई धनबल का प्रयोग नहीं किया हमने। तो आपके पार्टी के तो 24 पार्षद आए थे, बाकी जो पार्षद आए थे वो कौन थे, 7 पार्षद जो और आए, पार्टी के 24 पार्षद आए, आपको वोट मिले 31, तो वो 7 पार्षद कहाँ से आए। 7 पार्षद मेरे साथी थे, यहाँ से चुनाव जीतने वाले थे, उन्होंने मुझे वोट दिया। जैसे हमारे साथी और भी जीतने वाले थे, उन्होंने हम पर विश्वास नहीं जताया, हमें वोट नहीं दिया। उसमें कुछ कांग्रेस के भी थे, उन लोगों ने हम पर विश्वास नहीं जताया, उन्होंने चांडक का कार्यकाल, पिछला कार्यकाल 5 साल का देखा हुआ था, परंतु हमने लगा कि वो लोग हमें वोट देंगे, उन्होंने नहीं दिया। जो आपके साथी थे उन्होंने आपसे दगा की उपसभापति चुनाव में। जो हमारे साथी थे जो मुझे वोट जिन्होंने नहीं दिया, उन लोगों ने भी
और वाइस चेयरमैन के लिए उद्धव अवधि के लिए वोट नहीं दिया। हाँ तो क्यों, क्या कारण मानते हैं अभी क्यों वोट नहीं दिया? वे आज सभापति भी भाजपा का था, उपसभापति भी भाजपा के ही था, तो ऐसे में सभापति के लिए 31 वोट आए और उपसभापति के लिए आंकड़ा आधा रह गया। अब इसका तो क्या हुआ कल के दिन, मतलब दिन में हम लोग लगभग दिन तो 27 आदमी 27 पार्षद हम थे वहाँ पे जो वोट डालने निकले थे। अब उसमें से 16 वोट आए, ये क्यों आए तो पार्षद भी बता सकते हैं कि उन्होंने क्यों नहीं दिया। नहीं, आप भी तो प्रत्याशी थे ना, आपकी पत्नी प्रत्याशी थी सभापति चुनाव में, तो ऐसे में आपको भी तो इस चीज़ का पूरी रात बीत गई, कल का पूरा दिन बीत गया, आपने भी तो मनन किया होगा इस बात पे भी। 27 आदमी आपकी बस में बैठे थे और आपकी बस में बैठे हुए 27 आदमियों में से 11 आदमी को लेके चला गया, तो आपको पता भी नहीं चला इस बात का। नहीं, वहाँ से चले नहीं गए, पार्टी इसमें मनन करेगी भी ये 16 वोट क्यों आए हैं। अब सेठ जी से बात हुई, वो 16 वोट क्यों आए, उन्होंने कहा था हम हमारा जितना भी इसमें जांच करेंगे, जांच करेंगे। स्थानीय स्थानीय नेताओं की भूमिका क्या मानते हैं आप? नेताओं में डॉक्टर औजार जी ने खूब प्रयास किए, संजय महिपाल जी ने खूब प्रयास किए कि कोई पार्टी का बोर्ड बने। निहाल चंद जी ने दिन रात फोन पे 2 दिन यहाँ लगा के भी गए, जिसके कारण से क्या है कि जितने भी कोई उनके कहने में सुनने में उन्होंने खूब प्रयास किए ताकि भाजपा का वोट बने। हार की क्या मायने मानते हैं आप, क्या मानते हैं कि हार के कारण क्या मानते हैं? जो मेरे अपने थे, जो मेरे साथ थे, वो मेरे साथ नहीं लगे, इसी कारण हारूंगी। बबीता जी, आप क्या मानते हैं, किस वजह से हार गई? धन बल ही कह सकते हैं एक तरह से इसको, जन बल हार गया। मेहनत थी, अभी भी कॉन्फिडेंस है, बहुत अच्छा प्रयास था। मेरे पति का बहुत ज्यादा सहयोग था, मैं गर्व गौरवान्वित महसूस करती हूँ मेरे पति से। क्या आपको लगता है कि धन बल के दम पर कुर्सी पर बैठने वाला इंसान इस शहर का विकास कर पाएगा? देखते हैं, अगर विकास हुआ तो ठीक है, ये तो विपक्ष की भूमिका निभाई नहीं मिलता। विपक्ष की भूमिका लिए के लिए कितने तैयार हैं आप? पूर्णतया तैयार हूँ जी, अगर शहर के विकास में भूमिका उनकी पॉजिटिव रही तो ठीक है, नहीं तो पूर्णतया विपक्ष की भूमिका निभाऊंगी। आप क्या मानते हैं इस हार के अंदर कौन जिम्मेवार है और क्या कारण मानते हैं आप? हार में सबसे बड़ा तो धनबल ही था, धनबल के कारण ही ये सब हुआ है। और जनबल मिला है मुझे तभी 31 वोट मिले, टक्कर तो बराबर की थी, हार जीत एक होनी। नहीं, इसमें क्या लगता है भी आज पार्टी के अंदरूनी जो विभीषण बैठे थे उन्होंने अपना खेल खेला या धनबल ज्यादा हावी रहा? नहीं, पार्टी में विभीषण मुझे नहीं लगता, क्योंकि तो पार्टी ने पूर्णतया सहयोग किया है। अभिषेक जी हो गए, गुंजन साहब हो गए, उन्होंने बहुत मेहनत करी। इतनी मेहनत की कि 24वें से 16 रह गए भी, वो उन्होंने तो 19 के 49 कर लिए और आपके पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने कुछ ज्यादा मेहनत नहीं कर ली, आपको नहीं लगता? नहीं, उन्होंने मेहनत करी है, 31 वोट मिले हैं। उपसभापति में कुछ कमियां रह गई होगी, सभापति के चुनाव में उन्होंने खूब मेहनत करी। धन्यवाद बबीता जी, धन्यवाद मोहन जी। अभी बातचीत कर रहे थे पवन गोर और बबीता गोर से, आगामी किसी सक्सेस से मुलाकात के लिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again.